फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपक। आप सभी का स्वागत है दीक्षिता किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं सेजवान फ्राई राइस, जो बिल्कुल झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। तो आइए बनाते हैं अपन सेजवान फ्राई राइस मेरे किचन में। हेलो फ्रेंड्स, सेजवान फ्राई राइस बनाने के लिए एक कप चावल लेंगे बासमती के। एक बाउल में एक कप चावल लेंगे, उसको अच्छे से पानी से धोना है। जो मटमैला पानी होता है उसको अपन दो बार धो के बाहर निकाल लेंगे और थोड़ी देर चावल को भिगने के लिए रख देंगे। ऑन करके एक बड़ा पतीला रखेंगे, उसमें चावल से 5 गुना पानी ऐड करेंगे। थोड़ा नींबू का रस ऐड करेंगे जिससे चावल एकदम खुले खुले बनेंगे। नमक ऐड करेंगे थोड़ा। देखिए पानी में हल्का सा उबाल आ रहा है, थोड़ा हिलाइए, नमक अच्छे से मिल जाएगा। पानी में उबाल आ गया है तो इसमें अपन चावल ऐड करेंगे। चावल को अच्छे से हिलाना है, फिर इनको ऐसे ही छोड़ देना है पानी में उबाल के साथ। देखिए चावल अपना एकदम नाच रहा है, इससे पता चलता है कि चावल कितना पुराना है और कितना जल्दी बॉईल हो जाता है। देखिए अपन चावल को चेक करते हैं बॉईल हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी मेरा चावल कच्चा है तो 4 से 5 मिनट और इसको पकाएंगे। अभी मेरा चावल एकदम रेडी है, मैं इनको चलनी में सब पानी निकाल दूंगा और इनको थोड़ा ठंडा होने के लिए रखूंगा। देखिए चावल ठंडा होने के लिए मैंने रख, ठंडा करेंगे तो इसमें गांठे नहीं पड़ेगी और चावल एकदम खुला खुला होगा। देखिए मेरा चावल एकदम खुला खुला है और ये फ्राई राइस के लिए रेडी है। मैंने सभी सब्जियों को काट के रखा हुआ है, गाजर है, प्याज है, इनको बारीक काटना है सभी को एक समान, शिमला मिर्च है। आप अपनी मनपसंद सब्जी को ऐड कर सकते हैं इसमें। हरी मिर्च है 2, स्प्रिंग ऑनियन है, हरे कांदे, मैं इसमें लहसुन ऐड कर रहा हूँ 7 से 8 कली, इनको बारीक कूट लेंगे। हरा धनिया है गार्निश करने के लिए। ये अपना सीक्रेट सेजवान फ्राई राइस मसाला। एक पैन लेंगे और गैस को हाई फ्लेम पे रखेंगे। पैन में मैं 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल ले रहा हूँ, नॉर्मल खाने का ऑयल है। गर्म हो गया है, लहसुन ऐड करेंगे, हरी मिर्च ऐड करेंगे, थोड़ा चलाएंगे, लहसुन जल नहीं पाए। देखिए लहसुन अच्छे से सिक गई है। शिमला मिर्च ऐड करेंगे, शिमला मिर्च को 1-2 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। देखिए शिमला मिर्च कितना अच्छा कलर आया है, अच्छे से पक गई है। अब इसमें प्याज ऐड करेंगे। सब्जी कोशिश करिएगा कि समान मात्रा में कटी हुई हो। प्याज को 1 या 2 मिनट के लिए पकाएंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हरे प्याज, स्प्रिंग ऑनियन, जो मैंने इनके पत्ते गार्लिश के लिए लाए थे, इनको भी थोड़ा अच्छे से पकाएंगे। फिर इसमें गाजर ऐड करेंगे। गाजर को थोड़ी अच्छे से फ्राई करनी है क्योंकि थोड़ी ये कठोर होती है। सभी सब्जियों को अपन को एकदम गीला नहीं करना है, थोड़ा क्रिस्पी रखना है। देखिए सब्जी अपन हमारी एकदम रेडी है। अब इसमें मसाला ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, इन सभी को अच्छे से मिलाना है। देखिए अपने सब्जी का कलर कितना अच्छा आया है। अब इसमें डालेंगे अपन फ्राई राइस का सीक्रेट मसाला। मैंने इतनी सब्जी के लिए पूरा पैकेट लिया है, उसमें 3 चम्मच के बराबर मेरे मसाला है, तो मैंने 3 चम्मच पूरी इसमें डाल दी है और इनको अच्छे से मिला लेंगे। मसाला अपना एकदम रेडी है। इसमें अपन ऐड करेंगे चावल जो मैंने ठंडे करके रख दिए थे। देखिए अपने चावल कितने एकदम खुले खुले हैं और कितने अच्छे दिख रहे हैं।
चावल को आप मसाले के अंदर पूरा मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करना है। देखिए अपना सेजवान फ्राई राइस बन के एकदम रेडी है। देखिए एकदम कितना अच्छा और लाजवाब दिख रहा है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। अब इसको स्प्रिंग ऑनियन से थोड़ा गार्निश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स अपना सेजवान फ्राई राइस बनके एकदम रेडी है और कितना अच्छा, कितना लाजवाब, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल दिख रहा है ना। कैसी लगी मेरी फ्राई राइस की रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।